हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम में लेक्चर नंबर सेकंड, और इसमें हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के बारे में। उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स आपके क्या होते हैं। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू हर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि न्यू लेक्चर अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और जो चैनल है हमारा नॉनटेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हैक क्लासेस के नाम से उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइज, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक बातें बताई थी, सिग्नल एंड सिस्टम से रिलेटेड इंट्रोडक्शन था बेसिकली वो। यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं उन्हीं सिग्नल्स को, यानी कि किस किस टाइप के सिग्नल्स होते हैं जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। तो सबसे फर्स्ट जो टाइप का सिग्नल है वो है हमारे पास कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल। तो कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल क्या होता है? तो जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि एक ऐसा सिग्नल जिसका कॉन्टिन्यूस एम्पलीट्यूड और टाइम होता है उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल। सिंपल सी बात है। तो जैसे कि आप यहाँ पर इस ग्राफ में भी देख सकते हैं कि हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसका कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड है। ये जो सिग्नल है इसका हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड है। आप कहीं पर भी इसका कुछ एम्पलीट्यूड मेजर करेंगे तो आपको एम्पलीट्यूड हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मिल जाएगा, इसीलिए इनको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल। और मैथमेटिकल टर्म में अगर मैं कुछ बात करूं तो मैथमेटिकली कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो होते हैं आपके वो आपके कहलाते हैं कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल। तो आई होप आपने प्लस टू लेवल में फंक्शंस पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको पता है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं। तो ये जो फंक्शन होते हैं ये टाइम डोमेन में कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है, यानी कि टाइम डोमेन में ये डिफाइन किए जाते हैं कॉन्टिन्यूसली, इसीलिए इनको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल भी। और कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो होता है आपका टाइम, यानी कि जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका टी हो गया है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, और पेरेंथिसिस के अंदर लिखते हैं हम टी को, यानी कि जो भी आपका वेरिएबल होगा उसको। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि शेप क्या होगी आपके सिग्नल की, शेप ऑफ सिग्नल, ठीक है। और टी आपको पता लग गया है ये है आपका वेरिएबल, और इस केस में वेरिएबल है आपका टाइम। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये जो सिग्नल्स हैं ये कहाँ से डराइव होते हैं? तो लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं आपकी, जैसे कि आपका प्रेशर हो गया है, ठीक है, उसी के साथ साथ टेम्परेचर है, साउंड है, ये सभी के सभी आपके एग्जाम्पल हैं कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल के। और उसी के साथ साथ अगर हम कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को और देखना चाहें तो आपकी जो साइन वेव है, कोसाइन वेव है, ट्रायंगुलर वेव है, ये सब भी आपके कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल के एग्जांपल हो सकते हैं। आगे हम इनकी और ज़्यादा प्रॉपर्टीज डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को भी आप एक भाषा में आसानी से समझ सकते हैं कि वो सिग्नल जो सिर्फ कुछ चुनिंदा क्षणों पर, ठीक है, यानी कि सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो डिफाइन किए जाते हैं उनको हम कहते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। और ये कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल से किस तरीके से अलग है, देखिए आप इस ग्राफ की तरफ आइए। यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर आप 0 और 1, ठीक है, ये 2 इंस्टेंट ऑफ टाइम है, अलग अलग टाइम है, इनके बीच में आपको कोई भी एम्पलीट्यूड नजर नहीं आएगा, कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 0 पर कुछ ना कुछ वैल्यू डिफाइन है, 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, इसी तरीके से -1 पर है, -2 पर है, -3 पर कुछ ना कुछ वैल्यूज है, लेकिन -3 और -2 के बीच में कोई एम्पलीट्यूड नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है, -2 और -1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं है तो यहां पर भी कोई एम्पलीट्यूड नहीं है। इसीलिए ये जो है ये कॉन्टिन्यूस आपके टाइम सिग्नल नहीं है, और जब सिर्फ कुछ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इनके कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा तो उनको हम कहेंगे आपके डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और यहां पर जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसको भी नोट कर लीजिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर भी है आपका टाइम, और यहां पर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ठीक है, स्मॉल एन से। और जो आपके डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स,
एन इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर, या फिर इस तरीके से भी आप इसको मेजर ब्रैकेट के अंदर भी इस तरीके से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि अगर कोई पेशेंट है और उनका आपको ब्लड प्रेशर बीपी मेजर करना है हर 1 घंटे बाद, ठीक है, 1 घंटे में आप उनका बीपी जो है मॉनिटर करेंगे, तो हो सकता है आपको वैल्यूज कुछ इस तरीके से मिले 120, 130, ठीक है। तो 1-1 घंटे के बाद, यानी कि अगर आपने 12 बजे मेजर किया था, फिर आपने 1 बजे दोपहर के, फिर 2 बजे मेजर किया तो कुछ अलग था, 3 बजे मेजर किया तो कुछ अलग था, तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपने जो वैल्यूज ली हैं उनके कुछ अलग अलग एम्पलीट्यूड्स आए हैं। हो सकता है सेम भी एम्पलीट्यूड हो, लेकिन मेरा बताने का मकसद ये है कि कॉन्टिन्यूसली आप किसी भी चीज को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, अलग अलग टाइम पर डिफरेंट इंटरवल्स में आप उनको मेजर कर रहे हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब लेक्चर के मतलब अगर आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग समझना चाहते हैं तो वो इम्पोर्टेंट टर्म जो है वो समझने की वो ये है कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखिए एक्शन मैंने आपको बताया इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर ये लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से 0 0 1 2 3, ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये आपका एरो। ये एरो जो है जिस नंबर पर भी आपका ये होगा वो इंडिकेट करता है कि n इज इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू स्टार्ट होगी। यानी कि n इज इक्वल टू 0 कहाँ पर होगा? यहाँ पर, ये देखिए आप इस जगह पर n इज इक्वल टू 0 जो है, अगर उस पर वैल्यू 1 है तो हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे। आगे मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा, फिलहाल जो एरो की बात है, एरो जो है वो ये इंडिकेट करता है कि इसकी वैल्यू जो है वो n इज इक्वल टू 0 पर है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और n हमेशा ध्यान रखना है आपको, वो है आपका इंटीजर, ठीक है, कोई भी आपका इंटीजर होगा, इसीलिए इनको हम कहते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो आई होप ये जो दोनों सिग्नल्स मैंने आपको समझाए हैं, कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ये आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स आपके क्या होते हैं। तो सिंपल है, इनको भी समझना। सपोज कीजिए कि आपका कोई कॉन्टिन्यूअस इंटरवल है, ठीक है, कोई भी आपका कॉन्टिन्यूस इंटरवल है ए कोमा बी, जहां पर ए की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो सकती है और बी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव इन्फिनिटी हो सकती है। तो अगर कोई भी आपका कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल है एक्स टी, और वो इस इंटरवल में से कोई वैल्यू जो है अटेन कर सकता है, तो उसे हम कहेंगे एनालॉग सिग्नल। मैथमेटिकल टर्म में इसको हम कहेंगे एनालॉग सिग्नल। और डिजिटल सिग्नल क्या होंगे कि अगर कोई आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है एक्सएन, ठीक है, और वो कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू हो सकती है उसकी, ठीक है, क्या फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू हो सकती है उसकी, तो उसे हम कहेंगे डिजिटल सिग्नल। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इनके बारे में हम डिटेल से और आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है और ज़्यादा लेक्चर बनाने का प्रयास करते हैं। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर इंपॉर्टेंट है। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पर मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता रहता हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और इन वीडियोज़ को भी चेकआउट करना ना भूलें। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का समय शुभ रहे, थैंक यू वेरी मच।